आखिरकार राजनीतिक पंडितों की बात सच साबित हुई है। यूपी के कैसरगंज से बाहुबली और दबंग सांसद ब्रिजभूषण शरण के बेटे को ही टिकट दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कैसरगंज में बीजेपी ब्रिजभूषण के परिवार से आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, और ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट देना क्या बीजेपी की मजबूरी है? और अगर इसका जवाब है हाँ, तो इसकी वजह क्या है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बीजेपी दरकिनार नहीं कर पाई? पहले याद करिए, जब चौतरफा विरोध के बाद भी ब्रिजभूषण शरण ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर अपने खास संजय सिंह को जिताकर विरोधियों को पस्त कर दिया था, तब ब्रिजभूषण के बेटे की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो हाथ में एक पोस्टर लिए थे जिस पर लिखा था, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। ये किस दबदबे की बात ब्रिजभूषण के बड़े बेटे कर रहे थे शायद आपको नहीं पता होगा। यहाँ हम उसी दबदबे के पीछे की कहानी आपको बता रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह का ये दबदबा और रसूख कोई नया नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की पूर्वांचल की राजनीति में बहुत पहले से धाक है, और यहाँ सबसे पहले बात उनके राजनीतिक कद की करेंगे, क्योंकि ब्रिजभूषण 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। साल 1991 में पहली बार ब्रिजभूषण शरण सिंह लोकसभा के लिए चुने गए थे, और वो अभी भी कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद हैं। एक बार उनकी पत्नी भी उत्तर प्रदेश से सांसद रह चुकी हैं। यही नहीं, ब्रिजभूषण के बड़े बेटे प्रतीक भूषण पिता की तरह राजनीति में एक्टिव हैं। वो गोंडा सदर से मौजूदा बीजेपी विधायक हैं। साल 2017 में भी प्रतीक यहाँ से विधायक चुने गए थे। गोंडा के गलियारों में एक बात भी सुनने को मिलती है कि गोंडा और आसपास के जिलों में ब्रिजभूषण सिंह का राजनीतिक कद बीजेपी पर निर्भर नहीं है, उनका अपना दमखम है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जब यूपी के गोंडा में निकाय चुनाव हुए थे तो वहां से बीजेपी के टिकट पर जनार्दन सिंह लड़ रहे थे, जबकि सत्येंद्र सिंह निर्दलीय ही खड़े थे। तब निर्दलीय सत्येंद्र सिंह ने 5,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह को सिर्फ 150 वोट मिले। और ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया। समर्थन इसलिए कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस्तेमाल हुए पोस्टर पर ब्रिजभूषण की बड़ी बड़ी तस्वीर लगा रखी थी। हालांकि ब्रिजभूषण ने इस चुनाव से दूरी बना रखी थी, लेकिन इसे समर्थन नहीं तो और क्या कहेंगे, क्योंकि बिना ब्रिजभूषण की इजाज़त के तो ये पॉसिबल नहीं था कि कोई उनकी तस्वीर इस्तेमाल करे। कहा तो ये भी गया कि बीजेपी के सामने सत्येंद्र कुमार ब्रिजभूषण के इशारे पर ही चुनाव में उतरे थे। इससे इतना तो पता चल ही जाता है कि चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव, वक्त वक्त पर ब्रिजभूषण पार्टी के घोषित कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय को चुनाव लड़वाते हैं और मैसेज देते हैं कि अगर हमारे हिसाब से होगा तो होगा, वरना हम अपना रास्ता बनाना जानते हैं। यहाँ जिक्र बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह के उस बयान का भी कर लेते हैं जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह ने कहा था, गोंडा की राजनीति थोड़ी अलग है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डर का माहौल है। जनार्दन सिंह खुलकर तो सब कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस राज्य में सरकार बीजेपी की हो, पुलिस प्रशासन बीजेपी की सरकार का हो, वहां बीजेपी प्रत्याशी को डर लग रहा था। ये शब्द बेशक बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह के थे, लेकिन उनके मुंह से ब्रिजभूषण सिंह का खौफ ही बोल रहा था। ये खौफ हत्या किए जाने का भी हो सकता है, क्योंकि जनवरी 2023 में जब ब्रिजभूषण शरण सिंह पर पहली बार यौन शोषण का आरोप लगा तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है, रविंदर को जिस आदमी ने मारा है मैंने हाथ छुड़ा करके उसको तुरंत राइफल से उसकी पीठ पर रख उसको मार दिया और वो मर गया। तो अब आप बताइए, डर लगना जायज है या नहीं? अब जब जिक्र छिड़ा ही है तो जान लीजिए कि ब्रिजभूषण पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 4 सहयोगियों को पना देने का भी आरोप लगा, और उन पर आतंकवाद विरोधी कानून टाडा के तहत केस दर्ज किया गया, जिसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 6 महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताए। लेकिन एविडेंस के अभाव में ब्रिजभूषण सिंह को आरोपों से बरी कर दिया गया था। बात करें ब्रिजभूषण शरण सिंह के चुनावी इम्पैक्ट की, तो माना जाता है कि वो अपने 50 से ज्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जरिए अपना दबदबा कायम रख
रखते हैं, जो अयोध्या से श्रावस्ती तक लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वहीं उनके रिश्तेदारों ने भी इसी तरह से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि बृजभूषण सिंह की चुनावी मशीनरी लगभग पूरी तरह से इस सेटअप के जरिए चलाई जाती है, जो पूरी तरह पार्टी से अलग और इंडिपेंडेंट है। बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल के 4 जिलों गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में 5 दर्जन से ज़्यादा डिग्री कॉलेजों और इंटर कॉलेजों के मालिक हैं। एजुकेशन का सेंटर होने की वजह से बिहार और पूरे पूर्वांचल से बच्चे यहाँ आते हैं। बृजभूषण के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र और उनके परिजन उनसे पर्सनल कनेक्शन महसूस करते हैं। इसकी वजह से उनका बूथ प्रबंधन बहुत मजबूत हो जाता है और इसी पर्सनल कनेक्शन की वजह से लोग बिन बुलाए ही उनके लिए मुफ्त में प्रचार करते हैं। साथ ही पूरे गोंडा बलरामपुर जिले में उनके वफादारों की एक फौज है, साथ ही उनकी छवि मसीहा की भी है। वे लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और शायद यही वजह है कि बृजभूषण जहां भी चुनाव लड़ते हैं कामयाबी उनके हाथ आ ही जाती है, और ये बात बीजेपी बखूबी जानती है। वैसे कहा जाता है कि प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बृजभूषण के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टिकट बृजभूषण के परिवार में ही गया। वैसे ऐसे बीजेपी की मजबूरी भी कह सकते हैं कि अगर वो बृजभूषण को टिकट देती तो हरियाणा उनके हाथ से निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती, क्योंकि बृजभूषण महिला पहलवानों के लगाए यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं और मामला अभी कोर्ट में है। टिकट अगर बृजभूषण के नाम का कटता तो पहले से ही विरोध झेल रही बीजेपी से हरियाणा में नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाती। हालांकि महिला पहलवानों ने बृजभूषण के बेटे को टिकट दिए जाने को लेकर गुस्सा जाहिर कर दिया है। वहीं दूसरी वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश की बृजभूषण से नजदीकियां हैं और अखिलेश इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं है कि गोंडा में उनका क्या रुतबा है। इसलिए अगर बीजेपी बृजभूषण या उनके बेटे को टिकट नहीं देती तो समाजवादी पार्टी उन पर डोरे डाल लेती। बीजेपी नेतृत्व को भी ये खटक तो रहा ही होगा, इसलिए बीजेपी ने बृजभूषण के इलाके में भविष्य की राजनीति को देखते हुए ये कदम उठाया है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।